Good morning to all my dear students of class 1. Today I am here to teach you the subject maths chapter 7. So let's begin now. The name of chapter is multiplication. Multiplication means guna karna. आइए तो हम देखते हैं पेज नंबर 91 को. पेज नंबर 91 प्रैक्टिस स्टेज 1. स्टेज 1 पर क्या दिया गया है? फिल इन द ब्लैंक्स. ये है फिल इन द ब्लैंक्स. 3 + 3 = 6. यहाँ देखिए आपको टू मेथड दिखाया गया है. मल्टीप्लिकेशन को एडिशन फॉर्म में भी, इसके पहले आपने पढ़ा था डिवीज़न को माइनस सब्ट्रैक्शन फॉर्म में दिखाया गया था. अब यहाँ पर देखिए एडिशन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिखाया गया है. 3 + 3 = 6 होता है. तो 3 कितने टाइम में? 2 टाइम में. यहाँ आपने लिखा 2 × 3 = 6. 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया. 3 को 2 टाइम ऐड किया तो 6 आ गया. क्वेश्चन नंबर बी, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 6 टाइम 2 को प्लस किया गया तो यहाँ आ गया 12. तो कितने टाइम प्लस किया गया है? 6 टाइम. तो यहाँ 6 × 2 = 12. यहाँ ऐड करके दिखाया, यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है. 6 टाइम 2 को प्लस किया तो आ गया 12. 6 से 2 को मल्टीप्लाई किया गया, 6 × 2 = 12. आंसर सेम आ गया. क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 5 + 5 = 10. यहाँ 5 कितने टाइम है? 2 टाइम. तो 2 पहले आएगा, 2 × 5 = 10. डी, 4 + 4 = 8. 4 2 टाइम्स है तो 2 पहले लिखा, 4 = 8. सेम आंसर. क्वेश्चन नंबर ई, 6 + 6 + 6 + 6. 6 को 4 टाइम प्लस किया गया तो आंसर आता है 24. तो 4 × 6 = 24. क्वेश्चन नंबर एफ, 5 + 5 + 5 + 5. 5 को 4 टाइम प्लस किया गया तो आंसर आया 20. तो 4 × 5 = 20. 1 को देखिए 7 टाइम प्लस किया गया है तो 7 टाइम प्लस करेंगे 1 को तो 7 आंसर आएगा. 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आंसर आएगा. 1 × 7 = 7. 3 को 6 टाइम प्लस किया गया है, आंसर आता है 18. 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 = 18. तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन मेथड में और ये उसका मल्टीप्लिकेशन मेथड. राइट द मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन. अब यहाँ पर दिया है ये मल्टीप्लिकेशन को रिपीट करना है एडिशन, एडिशन से इसको रिपीट करना है. 3 × 6 = 18 आएगा आंसर. 18 को 6 + 6 + 6 तो 3 टाइम्स है, 3 × 6 + 6 + 6. 3 टाइम में जब हमने ऐड कर दिया तो आंसर सेम हो गया. 2 × 4, 4 कितने टाइम है? 2 टाइम. तो 4 + 4, ये 2 × 4 = 4 + 4. 5 × 3 = 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 1, 2, 3, 4, 5. 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 5 टाइम्स हमने 3 को प्लस किया तो 5 × 3 आ गया. 4 × 5 = 5 को 4 टाइम प्लस करना है तो 5 + 5 + 5 + 5.
तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन जो है रिपीट करने पर, एडिशन के मेथड से रिपीट करने पर आपका इक्वल हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।